ये तस्वीरें पिछले साल 25 मई की हैं, जब छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने राजनेताओं के काफिले पर हमला किया और कई बड़े राजनेताओं को गोलियों से छलनी कर दिया। नक्सलवाद जो पिछले करीब 45 सालों से देश के कई इलाकों में हिंसा का तांडव कर रहा है, वो अब भी जारी है और मोटे तौर पर माना जाता है कि ये देश के कम या ज्यादा 200 जिलों में अपना असर रखता है। इस अति वामपंथी हिंसा ने अब तक हजारों लोगों को अपना निशाना बनाया, जिसमें आम लोगों से लेकर सुरक्षाकर्मी और नक्सली भी शामिल हैं। हालांकि पिछले सालों में इस हिंसा में कमी आई है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य जहां इस बात के उदाहरण हैं कि नक्सली पीछे हटने को मजबूर हुए हैं, तो ऐसे में छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा पर निगाहें ज्यादा जाती हैं, क्योंकि यहां अभी भी बड़े पैमाने पर हिंसा और मौतों का खेल जारी है। आंतरिक सुरक्षा के सबसे बड़े खतरे के रूप में नक्सल हिंसा को बार बार रेखांकित किया गया और इसे लेकर दो स्तरों पर काम हुआ। एक, सुरक्षा बलों और कानून व्यवस्था की नजर से भरसक कदम उठाए गए, मसलन केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की उन जिलों में तैनाती की गई जहां नक्सली गतिविधियां बेहद ज्यादा हैं। सुरक्षा संबंधी खर्च को ज्यादा लक्षित या कहें टारगेटेड किया गया। सुरक्षा के बाद नक्सलवाद से निपटने के लिए दूसरा आयाम था विकास की कोशिशों को तेज करना। इसके लिए 5 साल योजनाओं से लेकर 80 से ज्यादा उन जिलों पर ज्यादा ध्यान दिया गया जहां विकास की पहुंच सबसे कम है। ऐसे इलाकों में विकास की बड़ी योजनाओं के लागू होने और मॉनिटरिंग पर विशेष बल दिया गया। आंकड़े ये बता रहे हैं कि नक्सली हिंसा की वारदातें पिछले कुछ सालों में कम हुई हैं, लेकिन ऐसे में झारखंड जैसा राज्य भी है जहां पे नक्सली वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार की दो आयामी नीति, जिसमें विकास और इसके अलावा सुरक्षा बलों की बेहतर रणनीति की बात लगातार की जा रही है, आने वाले समय में भी ये चुनौतियां बरकरार रहेंगी कि कैसे विकास की योजनाएं उन क्षेत्रों तक पहुंचे जहां तक अब ये नहीं पहुंच पाई है, और सुरक्षाकर्मी कैसे बेहतर तरीके से आजाद और नक्सली मुक्त कराए हुए इलाकों को थामे रह सकें। मैं ओम प्रकाश दास, नई दिल्ली से।